मित्रों, मृत्यु इस संसार का शाश्वत सत्य है, जिसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। और जब किसी अपने ही की मृत्यु होती है तो उस गमगीन माहौल में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। शायद आपको भी ये बातें नहीं पता होंगी कि शव यात्रा जब निकाली जाती है तो उस पर फूल, मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि राह चलता कोई मनुष्य अगर शव यात्रा देख ले तो वे उससे प्रणाम करता है और कई लोग सिक्के भी फेंकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। हिंदू धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म है जिसके कई सिद्धांतों को कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से भी साबित किया जा चुका है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस धर्म में कही गई और लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली हर बात के पीछे एक अलग मतलब होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग इन बातों का मतलब नहीं जानते वो इस पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल उठाना गलत है, बल्कि ये जरूर है कि अगर आपको जानकारी ना हो तो पहले सवाल का जवाब ढूंढें और फिर सही या गलत की पहचान करें। जब शव यात्रा में शव पर सिक्के फेंके जाते हैं तो कई लोग इसे पैसे की बर्बादी बताने लगते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे शिवलिंग पर चढ़ने वाले दूध और मजार में चढ़ाई जाने वाली चादर को लोग किसी गरीब को दान करने की सलाह देने लगते हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग महत्व रखते हैं। ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ ना तो आपका ज्ञान जाता है और ना ही आपका धन। अगर आपके पास कुछ होता है तो वह है आपके कर्मों का फल। मतलब इस धरती पर आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए उसी के हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। ये तो आप जानते ही होंगे। मरने के बाद पापियों को कौन कौन सी सजा मिलती है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शव यात्रा पर फूल फेंकने का क्या मतलब है। तो मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा कि सम्मान पूर्वक सभी लोग उस मृत आत्मा के पैर छूते हैं, पैर छूकर सम्मान व्यक्त करते हैं और फिर उस पर फूल माला भी चढ़ाते हैं। अक्सर उसी व्यक्ति की फोटो पर माला चढ़ाई जाती है जो भूतपूर्व हो, मतलब उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है जिसने हमें और आपको जन्म दिया। अब जब शव यात्रा निकलती है तो फूल फेंक कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसका सीधा सा मतलब सम्मान व्यक्त करने से है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मखाने का क्या मतलब है, क्योंकि मखाने से सम्मान का तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति भी आपको कुछ सीख देकर जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। आपने सुना होगा कि जब रावण को भगवान राम ने मार गिराया तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और कहा कि जाओ, रावण विद्वान व्यक्ति है, उससे कुछ शिक्षा ले लो। तब रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी थी, जिस अहंकार के कारण रावण मारा गया उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मखाने फेंके जाते हैं। जिस तरह मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो वो बाहर से काफी अकड़ू किस्म का होता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे ये बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड ना करें। अब सिक्का यानी रुपया फेंका जाने का मतलब भी समझ लीजिए। अभी के जमाने के हिसाब से बात करें तो हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। जो जितना कमा रहा है उसे उतना ही और कमाने की लालसा है। ऐसा लगता है मानो धन दौलत से किसी की संतुष्टि होने ही वाली नहीं, और आज तक जितने भी राजा महाराजा या धनी व्यक्ति हुए हैं कोई भी इससे संतुष्ट नहीं रहा। ऐसे में आम इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी किसी भी तरह से जी रहा है वो भला कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए सिक्का फेंक कर ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो इंसान जिंदगी भर इसके पीछे भागता रहा है वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए उसे उठा नहीं सकता, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तभी तक आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों में ये सीख दी गई है कि व्यक्ति को जीवन में पैसे के पीछे भागने की बजाय अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ये नश्वर शरीर तो आपका यहीं रह जाएगा और आपकी आत्मा जो गरुड़ पुराण के मुताबिक अंगूठे के आकार की होती है उसे स्वर्ग या नरक में आपके कर्मों के हिसाब से फल भोगना होगा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि शव यात्रा पर इन चीजों को फेंकने का क्या मतलब है। अगर आप इसका कारण नहीं जानते थे या इसका कोई और कारण जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक और पौराणिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।